प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगाई है रोक। पाबंदी के बाद साफ हुई थी दिल्ली की हवा। सुधार को देखते हुए निर्माण कार्य पर रोक का आदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाके के लिए यह आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है और AQI लगातार 350 के पार बना हुआ है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने पड़े। दिल्ली में एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दिल्ली से लेकर पटना तक हवा जहरीली हो रही है। दिल्ली में तो 3 दिन तक प्रदूषण का स्तर कम रहा, लेकिन फिर ये डराने लगा। सड़क पर वाहनों से निकलने वाले धुएं और बेरोकटोक चलते निर्माण कार्य के चलते दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 400 के पार चला गया है, जबकि पूरी दिल्ली में ये 300 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण 3 दिन कम हुआ तो दिल्ली सरकार ने रियायतें बढ़ा दी, लेकिन हालात क्या हैं तस्वीर देख लीजिए। सफ़ेद स्मॉग की चादर आज भी नज़र आ रही है और हालात जो हैं वो बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है यहाँ आनंद विहार इलाके में कि थोड़ा सा जो स्मॉग है, जो पोल्यूशन है वो कम हो, लेकिन अभी हालात ऐसे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे जहाँ की स्थिति सुधरे। ऐसा ही हाल दिल्ली के आजादपुर का है, जहां AQI का स्तर 339 के करीब पहुंच चुका है। आज फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम आजादपुर के रोड पर मौजूद हैं। मोबाइल ऐप पे आप देख सकते हैं इसका लेवल क्या है। 339 इस समय जो है लेवल है, जो कि PM2.5 है, और फोरकास्ट जो है इसका फोरकास्ट करीब जो है वो 352 के करीब पहुंच चुका है। बिहार की राजधानी पटना में ये वो जगह है जहां मुख्यमंत्री सचिवालय है। ये वो इलाका है जहां हरियाली के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी कम है, लेकिन यहां भी AQI का स्तर डरा रहा है। तो सोचिए बाकी इलाकों के हालात क्या होंगे। पटना में इस वक्त वायु प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा पुअर है। जो 100 होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड, वो 300 पार कर गया है। जी हाँ, ये देखिए पटना में इस वक्त 335 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि कहा जाता है कि वेरी पुअर इन बिटवीन 301 और 400। PM2.5 197.10 है, जो 60 होना चाहिए, यानी 3 टाइम्स से ज़्यादा पॉल्यूशन इस वक्त पटना में है। कोरोना से जंग तो हम जीत रहे हैं, लेकिन मगर परेशानी ये है कि प्रदूषण से इस वक्त हम जंग हार रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त बना हुआ है, और यही वजह है कि अब सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। अब नई परिस्थिति को देखते हुए उसको दिल्ली में बैन किया जा रहा है। उसमें जो है जो प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, उसके साथ साथ जो कारपेंटरी का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, इनको अलाउ रखा जाएगा, लेकिन जो धूल जो उड़ने वाले, जो डस्ट पोल्यूशन पैदा करने वाले वर्क हैं, वो सारे जो है आज से पुनः बंद किए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जितने दिन काम बंद रहेगा उतने दिन राज्य सरकारें निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देंगी, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रदूषण से फिलहाल दिल्ली वासियों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखती। दिल्ली से मोहित बख्शी और सैयद आमिर के साथ पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।